दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। लेकिन दोस्तों, अयोध्या की पुलिस को अपनी ड्यूटी निभाना बहुत ही महंगा पड़ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर पुलिस कर्मियों को दोस्तों पीएसी के जवानों ने थाने में घुसकर पीटा। आखिर दोस्तों ऐसी क्या वजह रही जो भाई पीएसी के जवानों ने पुलिस कर्मियों को थाने में घुसकर पीटा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जो पुलिस कर्मी हैं उन्होंने दोस्तों ऐसी क्या गलती की जिससे कि यहां पर जो पीएसी के जवान थे उन्होंने पुलिस कर्मियों को उनके थाने में घुसकर पीटा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप इस न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पीएसी जवानों ने थाने में पुलिस कर्मियों को पीटा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है वजह जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ बड़ा गांव अयोध्या की यह घटना है। यहाँ पर लिखा है रोनाई थाने की पुलिस का गैर जिम्मेदारी खाना रवैया सामने आया। पुलिस के जवान बुधवार को जरूरत का सामान खरीदने गए पीएसी के जवानों को भरे बाजार में पीट कर थाने ले गए। घटना के थोड़ी देर बाद पीएसी की एक टुकड़ी बदला लेने के लिए थाने में घुस गई और जो जहां मिला उसको वही पीट कर अपने जवान को छुड़ा ले गए। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो पुलिस वाले थे वो दोस्तों पीएसी के जवान को उठाकर ले गए और उन्हें पीटते पीटते थाने ले गए। लेकिन बात ये रही कि यहां पर कुछ पीएसी के जवान आए और उन्होंने यहां पर उनको छुड़ाकर अपने साथ ले गए। तो यहां पर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सुचितानंद बाजार में आरडी इंटर कॉलेज व नौज इंटर कॉलेज में करीब 250 पीएसी जवान ठहरे हुए हैं। बुधवार की दोपहर कुछ जवान दैनिक उपयोग की जरूरी सामान खरीदने सादे कपड़े में बाजार गए थे, तभी रोनाई पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने में पीएसी जवानों को लाठियों से पिटाई कर थाने ले गए। यह सूचना कैंप पहुंची तो करीब दर्जन भर से अधिक जवान थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस वालों को पीटा और अपने जवानों के साथ ले गए। पिटाई में कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि सीओ सदर वीरेंद्र विक्रम को मामले की जांच सौंपी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पुलिस वालों दोस्तों जो अपनी ड्यूटी है उन्हें अपनी ड्यूटी निभाना बहुत ही महंगा पड़ गया, क्योंकि यहां पर सिविल वर्दी में यहां पर जो पीएसी के जवान थे वो यहाँ पर सामान की खरीदारी करने निकले थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अनदेखा कर दिया और उन्हें यहाँ पर पीटते हुए थाने ले गए। लेकिन यहाँ पर पीएसी जो टुकड़ी थी वो थाने पहुंची और उनसे बदला लेने के लिए पुलिसकर्मियों को वहाँ पर थाने में पीटकर अपने जवान को छुड़ाकर वहाँ से ले गए। तो दोस्तों ऐसी घटना भी सामने निकल कर आ रही है लॉकडाउन से, जो यहाँ पर विचलित कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस वाले हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर जो पीएसी के जवान थे उन्होंने उनको सबक सिखाया। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इसमें गलती किसकी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।